वेलकम बैक दोस्तों, साइकिल सेटअप में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर एक नया नया टूल बार है। मतलब ये टूल बार मैंने ऑलरेडी बनाना आपको सिखा दिया था, लेकिन मैंने बना लिया था आपके पीछे से। तो ये पहला बटन जो है वो माइक्रो एडिटर का है, देख सकते हो। तो मेरा माइक्रो एडिटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो रहा है। मतलब यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं, मुझे मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता ही है मैंने यहाँ पे माइक्रो एडिटर की कमांड डाल दी है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट मेरा जो है वो है, और ये देख सकते हो अब ये है। और उसके बाद में मेरा दूसरा जो है ये एक ब्लूपर हो गया था, मतलब गलती से कुछ और ही बन गया था। तो ये है, इसकी भी स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी डाल दी है मैंने यहाँ पे। और तीसरा जो है वो मैंने आपको उसके अंदर डाल के रखा है कम्युनिटी में, आप एक बार ट्राई करना और मुझे फ़ोटो भेजना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है जो बन रही है, ठीक है। देखिए, और आपको मैं बता दूँ कि इसको अगर ये जो स्क्रिप्ट है ये मैंने इसके अंदर डाल दी है मैंने कॉपी, ओके। और अगर आप डायरेक्टली इसमें पेस्ट करोगे ना तो भी ये डिज़ाइन अपने आप बन जाएगी। देखो, बस आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, राइट। बहुत मज़ा आएगा आपको देख करके, देख बता रहा हूँ, ठीक है। सो आज के वीडियो में मैं ये वाली जो है ये मैंने कैसे किया था ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं माइक्रो एडिटर ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्या है और कैसे किया मैंने, ठीक है। सो ये मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो दो है ये कॉलम सेमी कॉलम डाला है मैंने। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट एक कमेंट है, मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन है स्क्रिप्ट के बारे में। इसका डिज़ाइन के ऊपर या स्क्रिप्टिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बस ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट एक कमेंट, मतलब इसका कोई मतलब है कि ये स्क्रिप्ट किसने बनाई है, क्या है ये, मैंने बनाई है तो मैंने मेरा नाम डाल दिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्क्रिप्ट ऐसे करके, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो सेट व्यू वर्ड फ्रंट, मतलब फ्रंट व्यू सेट हो गया ये, ठीक है। इससे अगर ये फ्रंट के जगह पे आप टॉप करोगे तो टॉप होगा, राइट करोगे तो राइट होगा, बॉटम करोगे तो बी होगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव करोगे तो पी होगा, ठीक है। अब हमें जो चाहिए तो वो है हमारा फ्रंट व्यू, राइट। सो उसके बाद अपन ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सेंटर में, मतलब फ्रंट से एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ फ्रंट से, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, मैं एक बार रुको, मैं नीचे का सब हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली एक सर्कल ड्रॉ हो गया फ्रंट व्यू सेट होने के बाद में। मैं अभी एक बार टूल बार को इसको अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। अब उसके बाद की क्या कमांड्स है, तो एक काम करते हैं, इस कमांड को हम लोग नोटपैड की फाइल में पेस्ट करता हूँ और ठीक है। अब उसके बाद में क्या किया है, सिलेक्ट लास्ट, मतलब लास्ट वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, मतलब ये सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा और उसका नाम आ जाएगा आईडी, आईडी ये नाम से ये डिजाइन, मतलब इस जो एंटिटी है या कर्व है या ये जो सर्कल है इसको आईडी से सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इक्लिप्स, इक्लिप्स आई, आई मीन्स डायमीटर वाला, ठीक है। अब जैसे आप इक्लिप्स करते हो ना, तो आपको बता देता हूँ मैं, जब आप इक्लिप्स में जूम करता हूँ ताकि आपको ये नहीं हो रहा, सो जूम करता हूँ, ठीक है। अब जब जैसे ही आप यहां पर इक्लिप्स की कमांड देते हो तो मैं ये वाली कमांड ले रहा हूँ, ठीक है, तो डायमीटर वाली। तो देखिए मैं एक बार क्लिक करूंगा इसको, नॉर्मली क्लिक करूंगा तो इसमें देखिए डायमीटर वाले पे देखिए आई के ऊपर है, देख रहे हो आप, ये देखिए ये डायमीटर के ऊपर आई के ऊपर अंडरलाइन है, मतलब आई देना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ओके, इक्लिप्स में आई दे दिया है, ठीक है, ये देखिए आई दे दिया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये दिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना ये इसका मैंने ये 1.5 mm का ये यहाँ पे एक लाइन बनाई थी और 2 mm की यहाँ लाइन बनाई थी और ये बनाई थी मैंने 3 mm की लाइन यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने ये पहली बार इधर ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ नीचे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे
इधर एंड पे क्लिक कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये लूंगा और उसके बाद में एक पॉइंट यहां रखूंगा, एक पॉइंट यहां, सॉरी यहां नहीं रखना है, यहां रखना है, ठीक है। यहां यहां याद ध्यान रखिए, देखिए यहां पर रखना है, ठीक है, यहां नहीं रखना है, और एक यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लाइंस डिलीट कर देते हैं हम लोग। देखिए मतलब मैंने कैसे फाइंड आउट किया था और मैंने कैसे किया था ये आपको मैं बता। अभी जो इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ये हम लोग अभी फ्रंट में है, बराबर है। मतलब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या डिफाइन किया था, फ्रंट, राइट। तो फ्रंट से अगर देखेंगे तो फ्रंट में आपको देखना पड़ेगा, तो यहां से आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये अभी फ्रंट में आने के बाद ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो आप देखा था, मैं जीरो एंटर करके ये पॉइंट कितना ऊपर है, तो ये वाई में 12 है, ठीक है। तो पहले एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, मैं सिर्फ तीन के ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स 0, वाई 12 और जेड तो 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और वैसे ही सेम इसकी बारी है अभी, ठीक है। अब देखिए ये यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक्स में ये कितना दूर है, 11 mm एक्स में, ठीक है। ठीक है, ये एक्चुअली इसके बाद में मैंने ये दिया है, ठीक है। यहां से ये, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दिया है मैंने। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, ये वाई में उल्टा, मतलब नेगेटिव में, ये 0 से नीचे नेगेटिव में, तो माइनस में आएगा। तो देखिए ये एक्स का 0, वाई में 10.5, 10.5 एंड जेड 0, ठीक है। अब तीसरा वाला जो पॉइंट है ये है, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से यहाँ एकदम परफेक्ट इस लाइन के ऊपर तो नहीं है, मतलब ये वाई एक्सिस के 0 पे नहीं है ये, ठीक है, और एक्स एक्सिस के भी 0 पे नहीं है ये, थोड़ा सा 11 mm पे है। तो एक्स 11 आ गया, और यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस है, मतलब 0 एंटर करके मैं ऐसे गिनता हूँ और फिर ऐसे गिनता हूँ, ठीक है। तो ये 0.75 ऊपर है, तो मैंने जेड वाई में दे दिया 0.75, और जेड हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। ये फ्रंट के हिसाब से है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये फ्रंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट सेट कर लिया है, ठीक है। अब सिलेक्ट लास्ट, इक्लिप्स सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट लास्ट, ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका नेम जो है वो ओडी दे दिया, मतलब आईडी और आभार का ओडी, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके अंदर वर्किंग की थी, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, मैं उसके बाद मैंने क्या किया, ये राइट में सेट कर दिया, जो था सिस्टम उसको मैंने राइट में सेट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट नन कर दिया, मतलब सिलेक्ट कुछ नहीं बचा। पहले सबसे पहले तो सर्कल बनेगा, फिर ये पॉइंट्स के हिसाब से मैंने एक ओवल बनेगा बाहर के साइड में, डायमीटर वाला आई दिया है मैंने, और उसके बाद में ओडी, मतलब उसको ओडी नाम दे देगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है, आईडी ओडी दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब एक सेक्शन चाहिए हमें, क्योंकि ये स्वीप टू रेल बनेगा ना, तो इसका एक सेक्शन चाहिए हमें। इसके बाद क्या करते हैं, ये इसके बाद आपको ये जो सेट व्यू राइट करेगा, ये राइट व्यू में सेट करेगा, और उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाएगा। अब रेक्टेंगल कैसे बनाएगा ये, तो ये देखिए मैं बताता हूं। ये बनने के बाद मैंने निकाला था इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट निकाला था, ठीक है। और राइट व्यू में मैंने क्या किया था, ये राइट व्यू में ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये राइट व्यू में देखो, ये एक्स और ये वाई हो गया, राइट व्यू में, तो मैं एक्स में तो 0 है, तो मैंने क्या किया, एक सेंटर, एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल नॉर्मल और सेंटर, ठीक है। तो सेंटर का देखते हैं क्या है हमारे पास में, सेंटर में सी है, सी अंडरस्कोर है, तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, सी दे दिया, ठीक है, सेंटर से। अब सेंटर पॉइंट पूछता है, तो सेंटर पॉइंट मैंने क्या दिया, एक्स तो 0 है, वाई जो है वो 10.5 है, मतलब मैंने 0 से ये पॉइंट का, एक सेकेंड में डायमेंशन से, ये पॉइंट से मैंने 10.5 है, ठीक है। और जेड तो 0 होगा ही, तो ये देखिए ये पैरामीटर है इसका, ठीक है। और विड्थ है इसकी, एक्स में कितनी आएगी, 5, ठीक है, और वाई में कितनी आएगी, 3, मतलब हाइट 3, विड्थ 5। अब यहां पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है,
उसके बाद सिलेक्ट लास्ट, लास्ट का ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया मतलब रेक्टेंगल को सिलेक्ट हो जाएगा, और सेक वन, सेक्शन वन नाम दे दिया उसने, सेक वन दे दिया और कुछ भी नहीं। अब उसके बाद आती है असली कहानी जो है स्विफ्ट टू रेल की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो मैं अभी यहाँ तक तो ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ स्विफ्ट टू रेल कमांड देने के बाद में। देखिए इसके पहले मैंने डैश लगाया है, मतलब ये जो विंडो आती है ना स्विफ्ट टू रेल मारने के बाद में, ओके ना वो सब चेक करने के लिए मेंटेन हाइट ऑन वगैरह, तो वो नहीं आएगी। ठीक है, वो इधर ही पूछेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने स्विफ्ट टू रेल की कमांड दे दी और उसके बाद पहला कर्व सिलेक्ट करने के बोलेगा, मतलब फर्स्ट रेल, तो मैंने दे दिया आईडी वन ये वाला। फिर दूसरा सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो मैंने ओडी वन दे दिया, ओडी दे दिया बाहर वाला। ठीक है, और एक मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सिलेक्ट नेम आईडी और ओडी, मतलब दो रेल सिलेक्ट हो गए अपने। अब तीसरा क्या करता है वो, फिर सेक्शन पूछता है। ठीक है, सेक्शन पूछने के बाद में वो मैंने दे दिया सिलेक्ट नेम सेक्शन वन, सेक्शन वन को सिलेक्ट करेगा वो। ठीक है, उसके बाद वो इंटर मारेगा। ठीक है, इंटर, फिर एक बार और इंटर करेगा। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखे मैं आपको देता हूँ स्वीप टू, डैश करके दिया है मैंने ताकि ये विंडो नहीं आएगी। ठीक है, और आपको मैं दिखा देता हूँ मैं कि क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, मैंने पहला रेल पूछ रहा है ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा रेल पूछ रहा है ये सिलेक्ट कर लिया, क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, अरे यार क्रॉस सेक्शन तो है ही नहीं हमारे पास में, तो चलो एक काम करते हैं मैं एक बार बना लेता हूँ एक नॉर्मली। प्रोजेक्ट ऑन करना है, ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ और यहाँ बना लिया मैंने, और ये गम्बॉल से इस साइड में मैंने खींच लिया। ठीक है, रफली मैंने, और अब मैं क्या कर रहा हूँ वही कमांड फिर से दे रहा हूँ डैश करके। ठीक है, डैश स्वीप, ओके टू। ठीक है, अब आप पूछ रहा है रेल वन, फर्स्ट रेल ये, फिर सेकंड रेल ये, क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है देखिए। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब देखिए क्रॉस सेक्शन का इंटर करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि और भी क्रॉस सेक्शंस है क्या, तो नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर इंटर दे दिया, ये पहला वाला इंटर इसका आ गया। ठीक है, तो अभी मैं कुछ नहीं है तो इंटर करूंगा। फिर दूसरा देखिए ड्रैग सीम पॉइंट्स, मतलब ये सीम पॉइंट्स है ना, ये इधर उधर ड्रैग करने के लिए बोलता है वो, तो मैंने क्या किया इसको भी इंटर कर दिया, नहीं भाई मेरे को एक ही सेक्शन है, मेरे को नहीं करना ड्रैग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा राइट क्लिक, मतलब इंटर। ठीक है, तो वो दो इंटर इस तरीके से। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया। अब ये ऊपर के साइड में पूछ रहा है स्वीप टू रेल ऑप्शंस के, देखिए तो ये विंडो आती है ना उसके ऑप्शंस है, सिंप्लीफाई, नन, टॉलरेंस, ये सारी चीजें है ना, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है मेंटेन हाइट यस नो करना है हमेशा। ठीक है, तो मैंने वो दे दिया यहां पर एज सिंप्लीफाई नन है। ठीक है, ठीक है, रेडियस, सॉरी ये सेक वन नहीं, ये यहां पर है। ठीक है, मेंटेन हाइट यहां पे नो कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये अंदर गया है, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में एक बार और इंटर प्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इससे ये देखिए ये आ गया यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, और डायरेक्टली ये स्वीप टू रेल बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब ये टॉप व्यू में जाएगा अपने आप, उसके बाद में कहाँ जाएगा, ये टॉप व्यू में जाएगा। ठीक है, और पेरिस्पेक्टिव में भी जाएगा बाद में, टॉप व्यू करेगा और पेरिस्पेक्टिव में जाएगा। ठीक है, पेरिस्पेक्टिव में आ गया, और उसके बाद में टेक्स्ट लिखेगा 10, 15 और 0 पे, मतलब टॉप में माइनस दस यहां पर आएगा, और वाई में -15 यहां पर आएगा, यहां पे कहीं पे, और ठीक है, और 0 जेड में 0। ठीक है, और टेक्स्ट लिखेगा हाइट इसकी 2, मतलब टेक्स्ट की हाइट, जैसे हम लोग टेक्स्ट देते हैं ना तो ये विंडो आती है। ठीक है, तो इसकी हाइट 2 है, देख रहे हो, तो ये हाइट आएगी, तो मैंने ये डैश करके लिखा था कि विंडो आएगी नहीं, डायरेक्टली आएगा। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया मेड बाय साइगी 3DM, तो ये मैंने जो था वो लिखा है मैंने। ठीक है, और जूम ई एक्सटेंडेड, जूम एक्सटेंडेड, तो जूम कमांड देते हैं ना, तो देखिए एक्सटेंडेड आता है यहाँ पे, तो ई है उसका, तो वो दे दिया मैंने। डिस्प्ले मोड, ठीक है,
डिस्प्ले मोड के या सेट डिस्प्ले मोड एम शेडेड, मतलब आपका कोई भी व्यू रहेगा ना, कोई भी मोड में रहेगा, वायर फ्रेम है इसमें तो शेडेड में आएगा, ठीक है। इंटर एंड, इंटर एंड मतलब मेरा एक स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, खत्म, सब कुछ खत्म कर दो, बंद कर दो, ठीक है, और जो है वो दिखा दो, स्क्रिप्ट एंड मतलब ये उस पे है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही इजी है, और आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, बस आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं न्यू करता हूँ, नो, और इसको हमें बस रन करना है। ओके, ये रन नहीं हो रहा, आई डोंट नो, मैं बटन से करता हूँ, ये बन गया, ठीक है। और आपको अगर इसको चेंज वगैरह कुछ करना है, कुछ भी करना है, तो इस बटन के अंदर जाओ, आप राइट क्लिक करो, एडिट में जाओ, और आपको जो भी है रेक्टेंगल की साइज आपको चेंज करनी है सेक्शन, तो रेक्टेंगल की साइज आपकी यहां पर आएगी, जूम करते हैं, ठीक है, 5 और 3, तो इसको मैं करता हूं 7 और 3 ही रहने देते हैं, ठीक है, और ओके करता हूं, ठीक है। अब मैं वापस से रन करता हूं, तो ये देखिए ये बढ़ गई साइज, ठीक है, गिन के देख लेते हैं, भरोसा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये कमांड है, इसके बटन्स मैंने बना के रखे हैं, और सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेसन 1, लेसन 2, ये ब्लूपर है और थर्ड लेसन है, तो आप करके देखना, और इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी देखना, मजा आएगा आपको। और आप अपनी कुछ बनाओ और मुझे भेजो, कमेंट में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली स्क्रिप्ट आ जाएगी आपकी, सो आपको कोई इमेज भेजने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद टेस्ट करके देखेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और आपको बहुत मजा आया होगा, और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर और कुछ चाहिए तो बताइए, क्योंकि मेरी तरफ से आप बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, और आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो के बाद में भी अगर ये जो मैक्रो के वीडियोज अगर चाहिए होंगे, तो प्लीज आप मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, तो ही मैं बनाऊंगा, नहीं तो एक ही टॉपिक के ऊपर बार 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 एक ही चीज बार बार रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट एक रफली आइडिया तो आ गया होगा, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब रफली नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आइडिया तो आ ही गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ कमांड से खेलना है और कुछ नहीं है, और कुछ देखना है, ठीक है दोस्तों। मैं भी वही कर रहा हूँ। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और आप लोग कुछ नया बना रहे हो, आपको इसके अंदर कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।